हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी है अपना हैदराबाद में पहला दिन और अब हम निकल रहे हैं कहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बट हम निकल रहे हैं कहाँ, चार मीनार घूमने के लिए। तो अभी हम अपने होटल से बाहर आ गए क्योंकि हमने बहुत सारी कैब ट्राई करी और एक भी नहीं मिली, तो फाइनली एक ऑटो मिले हैं तो वो हो गए हैं बुक। अब देखो वो आ रहे हैं और आते हैं तो उसके बाद निकलते हैं। जब तक मैं अपने होटल से बाहर निकल रहा हूँ और ये है पूरी रोड बिल्कुल चल रही है और वो है हमारा होटल उधर थोड़ी सी दूर, वो ऊपर लाइटिंग दिख रही है तो वह है होटल। तो अब चलते हैं बाहर और बाहर निकल के ऑटो वाले भैया का वेट करते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ, चार मीनार। चार मीनार घूमते हैं थोड़ा सा और मज़ा लेते हैं वहाँ पे, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है, देखते हैं। मैंने सुना है वहाँ चूड़ी बाज़ार ही है और बाकी चार मीनार भी घूमेंगे। और चार मीनार मैं दिन में भी जा सकता था बट मुझे नाइट में जाना था, लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है तो अभी यहाँ पे लाइटिंग तो है नहीं तो अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। तो अपन चलते हैं बाहर, ऑटो में बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं चार मीनार के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं चार मीनार और यहाँ पे घूम रहे हैं सब जगह। तो अभी क्या है, इसकी जो एंट्री है वो तो बंद हो गई है बिकॉज़ वो 5 बजे तक ओपन रहता है, तो अभी अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं उसके। तो अभी हमें आसपास के मार्केट में ही घूम रहे हैं सबके साथ और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, इत्र की और चूड़ी मार्केट है यहाँ पर, तो एक एक करके सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं और जब तक एक बार चार मीनार का चारों तरफ का राउंड लगाते हैं और देखते हैं। यहीं चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी माता का मंदिर भी है, वहाँ भी चलते हैं और उनके भी दर्शन करते हैं। मेरे पीछे ही है चार मीनार और अभी यहाँ पे इन लोग शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि आसपास में पूरा मार्केट ही है, दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अभी इसको चूड़ी लेनी थी, चूड़ी ले रही है पर इंडिपेंडेंस डे के कारण ये भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। अभी दो मीनार दिख रही, दो इसके पीछे हैं पर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अभी शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहता है तो इसको कर दिया गया है बंद, नहीं तो ऊपर भी जाके देख सकते थे बट मैं नाइट में आना चाहता था जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग तो है बट ऊपर नहीं जा सकते, तो इसको ऐसे ही घूमते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद वापस होटल में चलते हैं। We'll be right back.
मीनार के पास में ही खड़े हैं, ये पीछे ये है मीनार और यहाँ हम खड़े हुए हैं। ये है मीनार, ये है चार, ये है मीनार और ये है हम चार। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं खिलौने अर्थ के लिए, तो देख रहे हैं कुछ मिल जाए अर्थ के लिए भी, काफी अच्छे अच्छे हैं। और ये जीप प्रियंका को पसंद आ गई, इसको तुम चलाओगे या अर्थ चलाएगा? अर्थ चलाएगा। तो बस अब यहाँ से ले ले, और यहाँ पे यही यही मार्केट है पूरा चूड़ी का और खाने पीने की है, और बैग है, जूते चप्पल सब चीज़ का मार्केट। बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे घूमते हुए सब कुछ मिल जाएगा। और अभी बज रहे हैं कितने 10, अब धीरे धीरे मार्केट बंद होना चालू होगा। घूमते घूमते हमको 2 घंटा हो गया है चार मीनार के, सिर्फ मैं आजू बाजू में घूम रहा हूँ। कर क्या रही हैं इन लोग, शॉपिंग कर रही हैं, एक दुकान में जाती हूँ और उसी दुकान में फिर वापस, फिर उसी दुकान में वापस, बस यही चल रहा है इन लोगों का जब से। ये एरिया है और इसी के नीचे मैं खड़ा हूँ जब से। ये एक मिनट, ये दूसरे साइड का एरिया है। तो दूसरे हम लोग वहाँ से आए, हाँ दूसरे साइड का ये और उधर से आए, तो मतलब कोई ज़्यादा बहुत नहीं हो रहा, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ये करवा के मेरे को घुमा रही है, बस यही चल रहा है जब से। मेरे मतलब को कुछ है नहीं, मैं आया था शूट करने, शूट तो कुछ मतलब शूट यहाँ पे और कुछ करने का है ही नहीं, ऊपर जाने का बंद है और बाकी बस इनकी शॉपिंग चल रही है, बस ऐसे ही घूम रहा है। और अभी भी इनका मन कर रहा है और करना है क्या, और ऐसा सुन ली है कि 1 बजे मार्केट बंद होता है यहाँ का, तो 1 बजे तक ये घूमती है। अभी भी शॉपिंग कर रही है। सो गाइस फाइनली इनकी शॉपिंग हो गई है ख़त्म। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ टाइम लैप्स शूट और एक हाथ से बस अब यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट भी पूरा बंद होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आप सुबह से आ सकते हैं और रात में 10 बजे लास्ट टाइम रहता, मतलब 10:30 से मार्केट क्लोज होना चालू हो जाता है और अब वही बंद होते जा रहा है। इसी कारण यहाँ पर लाइट भी थोड़ी सी कम है, मेरे ऊपर भी लाइट कम कम आ रही है, बट चल रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर दिन के टाइम आओगे 5 बजे के पहले, तो आप चार मीनार के, वो जो चार मीनार ही बोलते हैं उनको, खंभे हैं जो, उनके अंदर भी जा सकते हैं, मतलब चार मीनार के ऊपर भी आप जा सकते हो। 40-45 रुपये टिकट है उसकी, तो आप वहाँ भी अंदर जा सकते हो। बट कोई नहीं, मार्केट बहुत अच्छा है, सिर्फ लेडीज़ मार्केट। इन लोग पीछे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, फिर रुक गए यार, इन लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। आ गए हम घूम के वापस चार मीनार से, बहुत मज़ा आया मुझे घूमने में, क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए नहीं खरीदा और प्रियंका ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, इधर से उधर इधर से उधर, एक ही जगह पे 4 बार घूमी है, एक ही जगह पे मतलब 4 घंटे घूमी है। शॉपिंग करी भी तो कितने लोगों के लिए है, वो भी तो बताओ। मुझे क्या पता कितने लोग हैं, 6 लोग 7 लोगों की शॉपिंग करी है। अच्छा वैसे ही था, एंड अच्छा है, मतलब घूम सकते हो चार मीनार मस्त एकदम। और सबसे अच्छा है जो होटल है, वापस आओ मस्त, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तब आराम से होटल, अब आराम करेंगे, क्योंकि ऐसा है बस जाना है और सो जाना है। कल रात में हम 2 बजे निकले थे घर से, और यहाँ सुबह शाम को घर से 12 बजे निकले, शाम को 4:30 बजे पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो अब सिर्फ सोना चाहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि लॉबी में कोई बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टिल देन बाय।